हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद कृति। सो गाइस, आज के वीडियो में ये एक DIY मान लो या रीयूज करना। तो ये आप जैसे इसको देख पा रहे हैं, जैसे कि ये है एक कोकोनट शेल। एंड आई नो मैंने होल पहले ही बना लिया है, बट स्टिल जो लोग ये वीडियो देख के आए हैं उनको समझ आ जाएगा कि गार्डनिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव चीज़ें एक्सपेंशन लगाना पड़े, रुपए लगाने पड़े। अगर आप चाहें तो आप प्लास्टिक बॉटल्स एंड रीयूज करके बहुत अच्छा गार्डनिंग कर सकते हैं। आई वॉज अ पर्सन हु डू दैट। एंड देखिए, तो कल मैं मार्केट गई थी एंड आई ब्रॉट कोकोनट पानी, मैंने नारियल पानी लाई एंड मैंने नारियल पानी पी लिया। एंड आई थिंक कि मैंने ये लोग पहले बना चुके हैं एंड तो मैंने सोचा कि शुड वी डू एनीथिंग विद दिस, तो या वी शुड डू एनीथिंग फ्रॉम दिस। सो आज हम वही DIY बताएंगे कैसे क्या करना है इसका। हम इसको सुंदर डेकोर में चेंज कर सकते हैं, हम एक सिंपल सा बना सकते हैं, एनीथिंग यू विल डू। सो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटे को बजाना बिल्कुल भूलिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन आ पाए। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो भाई। तो एक छोटी सी वीडियो ही होगी, इसमें मैं प्लांट लगाऊंगी एंड आई विल शो यू। तो आप भी ऐसा लगाइए, और अगर लगा रहे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो आई कैमरा सेट कर दिया मैंने। फर्स्ट वी नीड जस्ट अ कोकोनट शेल, क्योंकि इसी से करना है। एंड इसके नीचे ना हमें होल बनाना है। मैंने कल बना लिया था एंड आई थॉट कि मैं आज, तो हमने ये लिया है क्या कहते हैं इसे, पेचकस आई थिंक एंड स्क्रू ड्राइवर। एंड वी जस्ट कि ऐसे ही आराम से होल बन जाएगा। मेरा बना हुआ है तो आपको एक होल बना लेना है, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ ड्रेनेज शुड बी परफेक्ट। और इसमें आप कोई भी लगा सकते हैं, मैं लगाऊंगी कोलियस। एंड अगर आप चाहते हैं मैं उसमें वीडियो बनाऊँ तो। सो गाइज, इसमें छेद तो कर दिया है हमने, जैसे कि आपको दिखाती हूँ मैं अंदर से, आपको एक छेद दिख रहा है, मैं उसको और अच्छे से हम करते हैं। लेट मी डू इट क्लियरली, जैसे वो और अच्छे से हो जाए। उसको ऐसे घुमा घुमा के करिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा उनका। आपका क्या नेचर से ही नेचर को बढ़ाना। देखिए, नाउ यू एबल टू सी द होल। तो हमें एक होल बना देना है छोटा सा। एंड होल पे रखने के लिए हम एक हमेशा गिट्टी रखते हैं। मेरा सीमेंट का पॉट टूट गया था तो ये उसी का एक पीस है। एंड आई हैड टू पुट इट ऑन द नारियल शेल, मैंने नारियल के शेल पे रख दिया। एंड गाइज, अब हम इसका सॉइल मिक्स देखेंगे, इसको साइड रख देते हैं। द सॉइल मिक्स विच आई हैड टू प्रिपेयर, हमें पहले वर्मी कंपोस्ट एंड द रेगुलर गार्डन सॉइल, द टू कंपोनेंट वी नीड इज दिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल मिक्स बनाना। मैं इस बार पहली बार सॉइल मिक्स बनाना सिखा रही हूँ, हमेशा मैं प्रोपोर्शन बताती थी आप लोगों को। तो मैंने एक ऐसे सिंपल सा बाउल ले लिया है, नेगोशिएट द बैकग्राउंड एंड ऑल। सो ये हमारा वर्मी कंपोस्ट है, मतलब केचुए वाली खाद। तो ये ऑल दो दिस इज आर सॉइल। तो हमें इसको इक्वल पार्ट में लेना है। सो द थिंग वी डू, एक मुट्ठी सेकेंड, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है तो हमें ज़्यादा सॉइल नहीं लगेगी। देखिए छोटा है अंदर का स्पेस, तो ज़्यादा सॉइल नहीं। दो मुट्ठी एंड थर्ड, ठीक है। अब इक्वल अमाउंट में सॉइल जो है उसमें पहले से भी वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है। वन मुट्ठी, टू एंड थ्री। एंड अब इनको, इस मिक्सचर को मिक्स इट वेल, ये बिल्कुल इसके जो भी इसमें गांठें हो जाती हैं कि मिट्टी रखी रहती है, अभी गर्मी पड़ी है तो वो तो थोड़ा गांठ पड़ जाती हैं, तो हम इसको बिल्कुल मिक्स कर देंगे। मैं इसमें थोड़ा और वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी जितना है मेरे पास, मैं सारा लेट इट बी साइड। एंड गाइस, इसमें मैं कोलियस लगाऊंगी, आई विल शो यू। कोलियस की कटिंग नहीं है, ये मैंने कटिंग से पहले ही लगा रखा था। एंड आई विल प्लेस इन दिस। सो मेन कंपोनेंट ये, और ये वीडियो बहुत छोटी बना रही हूँ मैं, शॉर्ट में भी बना सकती थी बट उसमें अच्छे एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो हमें ये करना है, पहले हमने अपने उस पर वो रख दिया, दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कहाँ रखा है। मैंने ये रख दिया
एंड फिर हम सो गाइज हम इसको फिल कर देंगे एज यू नो कि बिल्कुल टाइटली अच्छा सॉइल मिक्स बनाएंगे। एंड गाइज इसको आप पेंट वगैरह भी कर सकते हैं अगर आप क्रिएटिव हैं। आई वॉज ऑल्सो क्रिएटिव बट मुझे ये सिंपल क्योंकि ऐसे मुझे कलर नहीं करना था एंड मैंने सॉइल मिक्स भर दिया थोड़ा ज़्यादा तो अपन कम कर लेगा उसको। एंड गाइज लेट मी शो यू द कटिंग, बहुत अच्छी कटिंग हो रखी है। आई विल शो यू बाय अपिंग माई कैमरा। देखिए ये कोलियस की कटिंग है एंड इसको मैं इसमें लगाने वाली हूँ क्योंकि कोलियस एक प्लांट है जो कि बहुत छोटे पॉट में काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर लेता है तो इट्स अ नाइस चॉइस फॉर अस। एंड गाइज मैंने बहुत मिट्टी बना ली, कम मिट्टी लगी है सो हम इसको अच्छे से डाल देंगे। एंड गाइज कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, इट्स अ DIY, इट्स अ DIY। सो इफ़ यू विजिबल कि मैं इसको अच्छे से भर दूँगी। एंड गाइज प्लीज़ 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 हम अपने सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं। गाइज जो भी मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ मैं कि मैं इधर ही बनाऊँ एंड तो या और मुझे बताइए कि मैंने पिछली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। एंड गाइज आपने मुझे कमेंट नहीं करा कि वो कौन सा प्लांट था, लोग तो मेरी वीडियो देखते नहीं हैं पूरा बट अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो गो बैक टू द नेक्स्ट वीडियो एंड टेल मी विच प्लांट शुड आई टेल यू क्यों बहुत कॉमन प्लांट है। एंड गाइस इट्स डन सो लेट मी शो यू, मैंने ये प्लांट में लगा दिया। एंड गाइस मेरी काफ़ी अभी ना स्टेबल भी है, देखिए ये स्टेबल भी है खड़ा होने के। आई थिंक मैं आइज़ वगैरह कुछ बना दूँ बट नो आई लाइक दैट। तो ये कोलियस स्टेबल भी है, मैं मैक्रेमे शायद बनाऊँ तो अगर उसको भी तो उसका हैंगिंग प्लांटर बनाते बट गाइस मेरे टेरेस पे ना हैंग करने की जगह कम है तो यही है। इसको अच्छे से आप दबा दीजिए एंड वही आप केयर क्या करेंगे, सिंपल है। तो ये है सिंपल सा DIY। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बैकग्राउंड का शोर अवॉइड करिएगा। तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ बताओ किस किस पर वीडियो बनाऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।